पश्चिमी विधानसभा का चुनाव है और हमारे साथ मौजूद है विकास सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी है और आपको बता देंगे चुनाव आयोग द्वारा इन्हें बाल्टी छाप आवंटित किया गया है। जैसे ही इन्हें चुनाव चिन्ह मिला उसके बाद से लगातार यह सक्रिय है और पश्चिमी विधानसभा के जितने भी क्षेत्र है वहाँ जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि इनके पक्ष में मतदान किया जाए। सबसे पहले विकास भैया आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही आपको चुनाव चिन्ह मिला उसके बाद आपने कहा कि कांग्रेस ने के हाथों ने जो गंदगी सालों तक फैलाया है, वहीं सिलेंडर ने जो पूर्वी विधानसभा में आग लगाने का काम किया है, आप पश्चिमी विधानसभा में मुरझा रहे कमल को खिलाने का काम करेंगे। देखिए, मैंने चुनाव आयोग से जब हमें फार्म भरा तो हमने उससे बाल्टी मांगा, तो मेरे साथियों ने पूछा बाल्टी क्यों मांग रहे हो, तो मैंने कहा कि कांग्रेस के जो गंदे हाथ जो समाज को गंदा करने का काम किया है, यहाँ के जो विधायक है, जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने ऐसा अपना चरित्र दिखलाया कि पूरा झारखंड शर्मसार हो गया। अश्लीलता वाली वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी ओर उस लड़की को धोने के लिए मैंने आयोग से बाल्टी मांगा है। दूसरी ओर सरयू राय जी जो सिलेंडर छाप उम्मीदवार है, सिलेंडर लेके चले गए पूर्वी विधानसभा में और पूर्वी विधानसभा सूर्य मंदिर रास्ता केंद्र और घमासान का युद्ध मैदान हो गया, महाभारत का मैदान बन गया। और वहां जो मैंने जो सिलेंडर की आग में पूर्वी जल गया है, लेकिन अब पश्चिम विधानसभा और विशेषकर जो कमल निशान है जिसको हम लोगों ने सींचा है, उस कमल को हम जलने नहीं देंगे। इसलिए हमने बाल्टी मांगा कि पानी डालेंगे। इसके साथ ही मांगो ऐसा जगह है जहाँ लोग पानी के लिए छटपटाते हैं, तरसते हैं। समाज सेवी नीरज सिंह जी, समाज सेवी अविनाश सिंह राजा जी, समाज सेवी राजकुमार सिंह भैया, लोग पानी बांटते हैं और जो मैदान में आए हैं उनको कोई मतलब नहीं कि जनता कैसे पानी पिएगा। इसलिए मैं चुनाव में आया हूं और एक संदेश देने आया हूं कि आप लोगों को मैं स्वच्छ पानी पिलाऊंगा। दो कानून नहीं चलेगा एक विधानसभा में, कुछ लोग टाटा के पानी पिएंगे शुद्ध पेयजल 24 घंटा, और मानगो के लोग पानी के लिए बूंद बूंद तरसेंगे, नहीं चलेगा। मानगो में विद्यालय नहीं, MGM अस्पताल की दुर्दशा हो गई है। अगर कोई TMH में कोई व्यक्ति भर्ती रहता है और 10 दिन गलती से भर्ती रह जाए ICU में, तो हमको लगता है कि उसका घर बिकना तय है। और आखिर कौन है सबके रिश्तेदार, दोनों प्रत्याशी के रिश्तेदार, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि टाटा स्टील में बड़े ओहदे में काम कर रहे हैं और हमारी जनता रोड में है। ये अब नहीं चलेगा, इसलिए मैं मैदान में उतरा हूं। विधायक सरयू राय के बारे में आप कहते हैं कि 5 साल जो समान बवार में रहा ही नहीं, उसके बारे में क्या कहा जाए? देखिए, मैं तो लोगों को कहता हूं जो जहां काम करता है वहां उसको कीमत, वहां उसको मजदूरी मांगना चाहिए। आप टाटा स्टील में काम कीजिए और मजदूरी रिलायंस फ्रेश में मांगिए जाए तो नहीं ना मिलेगा। सरयू राय जी पूर्वी विधानसभा में चुनाव लड़े थे, 5 साल वहां रहे, लोगों का दुख दर्द झेकने झेकने नहीं आए, उनको वहां चुनाव लड़ना चाहिए था। तो जनता गुलाम नहीं है, लोकतंत्र है जनाब। ऐसा नहीं है ना कि वहां काम कीजिए अगर यहाँ के मजदूरी मांगे तो लोग मजदूरी दे देंगे। हमने लाठियां खाई है, हमने पुलिस की भद्दी मैंने गालियां सुनी है। बन्ना गुप्ता के गुर्गो ने प्रत्येक दिन मुझे माँ बहन की गालियां दी है। पुलिस ने मेरे को प्रताड़ना किया है, मेरे कारोबार को ठप कराया है। इसके साथ ही मैं लोगों को मुहैया नहीं कर सकता। आप बताइए, NH-33 पूरा खराब था, कहाँ थे सरयू राय जी, कहाँ थे बन्ना गुप्ता? मैंने पैदल मार्च निकाला डिमना चौक से लेके उपायुक्त कार्यालय तक। मानगो बाजार टूट गया, फुटकर विक्रेता रोड में आ गए। कहाँ थे सरयू राय, कहाँ थे बन्ना गुप्ता? चुनाव आगे सब आ रहे, लंबे लंबे वादा कर रहे हैं, जात पात की राजनीति नहीं चलेगी। आप यह भी कहते हैं कि जो पुराने कार्यकर्ता है पार्टी के उन्हें मौका नहीं मिल रहा आगे बढ़ने का। देखिए, पिछले बार पार्टी ने देवेंद्र सिंह जी को टिकट दिया था और मैंने बिना किसी से पूछे मैं देवेंद्र सिंह के साथ खड़ा था। और ऐसा इसलिए कि हम तो कहते हैं कि किसी को पढ़ना आता है तो पढ़ लो। विकास सिंह के शरीर के कतरे कतरे में लिखा हुआ है BJP, विकास सिंह के शरीर के कतरे कतरे में लिखा हुआ जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा। असली BJP हम, असली BJP है बाल्टी। मैंने गाली नहीं दिया नरेंद्र मोदी को, मैंने कभी भी नहीं मांगा कि धनबाद से मुझे टिकट दे दो। हम तो एक दिन दंग रह गए। मैं TV देख रहा था फेसबुक लाइव में कि मानगो में एक जगह रोड का शिलान्यास था, एक इनोवा से एक लड़का आया तो हमको लगा कि जिले के उपायुक्त होंगे चाहे SDM साहब होंगे, उसका मोच दाढ़ी नहीं निकला था, 4 कमांडो भी उसके साथ उतरे, तो हमको लगा भाई होंगे कोई। जब उतर गए, नारियल फोड़ा, लोगों ने तालियां गड़गड़ाई, तो हमको पूरा भरोसा हो गया कि जिले के SDO साहब हैं, SDM साहब हैं, कि मूछ दाढ़ी नहीं वाला कोई IAS अफसर आए होंगे। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के हमने देखा तो दंग रह गया। वो बन्ना गुप्ता का बेटा मयंक गुप्ता था और इतने बुजुर्ग लोग ताली बजा रहे थे। ये लोकतंत्र है भारत में, राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा जो राजकुमार है वो राजा की भूमिका में काम करेगा, नहीं चलेगा। अनेक ऐसे कारण हैं, इसलिए मैं चुनाव मैदान में उतरा हूं। लोगों ने कहा कि सरयू राय जी कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री भाजपा के रघुवर दास को चुनाव हराया है, हमने नरेंद्र मोदी को गाली दे के चुनाव हराया है। और मेरे पास नाम है, बन्ना गुप्ता कहते हैं कि मेरे पास दाम है,
हमने कोविड कोरोना में इतने खरबों खरब रुपया की वैक्सीन, खरबों खरब रुपया की वेंटिलेटर और ऑक्सीजन को बिक्री किया, तब ना जाके घर से मैयत निकली है, लोगों की जनाजा निकला है, लोगों की अर्थियां निकली है। मेरे पास पैसा है, मेरे पास दाम है। सरयू राय जी के पास नाम और बन्ना गुप्ता के दाम, तो मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा। मैंने भी कहा, लोगों ने कहा कि विकास सिंह के पास काम है, विकास सिंह अब काम के बदौलत चुनाव लड़िए। तो लोगों ने कहा कि मोदी जी, जोगी जी सब आएंगे सरयू राय जी के लिए, हेमंत सोरेन और बड़े बड़े स्टार आएंगे, राहुल गांधी आएंगे बन्ना गुप्ता के लिए, तुम कैसे चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा मेरा चुनाव जमशेदपुर की पश्चिम की जनता लड़ेगी, मेरा चुनाव बाबा बैद्यनाथ लड़ेंगे। सामने कर रहा, जब आप संपर्क अभियान करें तो लोगों का समर्थन पश्चिमी विधानसभा के में ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है, पश्चिमी विधानसभा में ऐसा कुछ काम जब तक नहीं करेंगे। ये सज्जन मेरे पास आए हैं, इन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कार्यालय में कितने बार चक्कर लगाया। आयुष्मान कार्ड नहीं बना, आयुष्मान कार्ड इनका नहीं बना, राशन कार्ड नहीं बना, ठीक है, बहुत दिन से रहा मैंने जानता। सुन लीजिए, विधायक जो होता है सुलभ होना चाहिए। ये आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए इनको विधायक का हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। विधायक का हस्ताक्षर कराने के लिए पहले कार्यकर्ता पास जाएंगे, फिर नेता पास जाएंगे, फिर बहुत नहीं। वैसे लिए इस बार घर का बेटा विकास सिंह विधायक बनेगा और उसी दिन आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा। विधानसभा में ऐसा कुछ काम जो अब तक नहीं हुआ, लेकिन आप करेंगे अगर विधायक बनकर विधानसभा। सबसे पहले पश्चिम विधानसभा में स्वास्थ्य जीरो, शिक्षा जीरो, एक भी सरकारी विद्यालय मानगो में नहीं, शुद्ध पेयजल पानी नहीं, बिजली नहीं, अंधा कानून का राज, जब चाहे जिसको जेल में डाल दिया, अपराध भी हताशा बढ़ गया, इसके साथ ही नशा का मैंने कहा जाए इतनी बिक्री बढ़ गई कि लोग तबाह हो गए हैं, सड़कें जर्जर हो गई है। बदलाव होगा आपके विधायक बनने के बाद। हम तो कहते हैं कि अगर किसी को बांधना है तो पहले पैर में घुंघरू बांधिए, उसके बाद मेरी नाच देखिए, क्योंकि मेरी कर्म भूमि जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा, मेरी जन्मभूमि जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा, मेरी धर्मभूमि जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा और मेरी मरण भूमि भी जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा होगी। मैं परदेशी नहीं हूं, मैं दूर से नहीं आया, मैं कुर्सी के लिए कभी पूर्वी विधानसभा और कभी धनबाद नहीं गया, मैं अस्थाई व्यक्ति हूं, जीना मरना आपके साथ है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये बाबा बैद्यनाथ बना के हम लोग का रिश्ता भेजे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी विधानसभा में जो बदलाव अब तक नहीं हुआ, उन बदलावों करेंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा और यहाँ पर पेयजल की जो सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या को वह हल करेंगे। अब देखना यह कि 13 नवंबर को यहाँ की जनता क्या फैसला करती है, क्योंकि यह एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी जनाधार होती है।